हाल बा मित्रों, आज आई एम ई नंबर के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। आई एम ई आई बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी को, ठीक है। तो ये आपके मोबाइल फोन में होती है, इसके बिहाव पर ही कोई भी सिम रन हो सकती है किसी भी कंट्री में। इस चीज के बारे में आप समझ जाइए। हर मोबाइल फोन में दो आई एम ई नंबर होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में तीन भी होते हैं। चाइनीज जो आते थे पहले तीन तीन सिम लग जाया करती थी, है ना। तो आई एम ई नंबर आप समझ गए होंगे। अब आई एम ई नंबर के बारे में कुछ आपको जानकारी देता हूँ। एक भाई ने मुझे कमेंट की कि भाई मैंने फ़ोन ठीक कराने के लिए दिया था एक दुकान पे, जब मैंने उससे वापस लिया तो उसमें से डाटा उड़ा हुआ था। उसके बाद उसका आई एम ई नंबर मैंने चेक किया कि एक वीडियो देखी थी मैंने पहले, उस वीडियो को देख के मैंने आई एम ई नंबर चेक किया तो उसमें आई एम ई नंबर अलग था और मेरे बिल में जो लिखा था वो अलग था। ये क्या कहानी है? तो आइए आज आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, आई एम ई नंबर चेक करने का तरीका आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वाला कोड डालेंगे तो ठीक है, तो इसमें आई एम ई आई नंबर आ जाएगा। ये आई एम ई नंबर आ गया। अब ये आई एम ई नंबर ही आपके मोबाइल फ़ोन के बिल पे लिखा होता है जब आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हो, चाहे आप कहीं से भी करो, इसके बिना बिल नहीं बनता है जीएसटी का, ये ध्यान रखना। अब इस आई एम ई नंबर से सरकारें ट्रेस करती हैं, ट्रैक करती हैं एक मोबाइल फ़ोन को। तो इस चीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आपको बताता हूँ मोबाइल रिपेयर वालों की कहानी फ्रॉड के बारे में, कि वो कैसे फ्रॉड कर जाते हैं और आपको कैसे पहचानना है कि वो फ्रॉड ना करें हमारे साथ, ठीक है। तो ये आई एम ई नंबर थोड़ा सा मैं ब्लर कर दूंगा। तो चलिए अब बताता हूँ आपको कुछ सॉल्यूशन के बारे में। अब मान लीजिए आपने किसी बंदे को फ़ोन ठीक कराने के दिए। अब मैं उस भाई की बातों पर आपको नॉलेज दूंगा, जिस भाई ने मुझे एक कमेंट करी, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे लाखों लोगों को जानने का कुछ मौका मिलेगा, सीखने का कुछ मौका मिलेगा, नई बात। अब मान लीजिए इन भाई ने किसी दुकान पे फ़ोन दिया था ठीक कराने, उसने क्या किया, इनका मदरबोर्ड रख लिया। का जो मदरबोर्ड होगा ना वो फ्रेश होगा, फ्रेश मतलब उसमें कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई होगी, और फ्रेश चीज़ों की वैल्यू होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक 20 साल के लड़के की जो किडनी निकाल लेंगे ना हॉस्पिटल वाले, तो वो ज़्यादा उनको पैसा दे देगी, ज़्यादा खर्चा दे देगी, मतलब ज़्यादा कमाई करके देगी। और एक बूढ़े आदमी की निकालेंगे और एक 50-60 साल के आदमी की किडनी निकालेंगे तो वो उनके किसी काम के नहीं, क्योंकि वो पूरी यूज़ हो चुकी है ना, तो उनको वो ऐसे ही छोड़ देते हैं हाथ जोड़ के। बाकी जो जवान होता है या फिर बच्चा होता है उसकी एकदम फ्रेश किडनी होगी ना। आपको ये समझाने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं टेक की नॉलेज के। इन भाई का मदरबोर्ड जो है निकाल लिया किसी ने, और दूसरा मदरबोर्ड जो एक पुराना था घिसा पिटा, उसमें कई तरह की रिपेयरिंग हो रखी होंगी, वो इनके फ़ोन में डाल दिया और इनको बोल दिया कि इसका डाटा उड़ गया और आप ये ले लो, और ये बोल दिया कि रिपेयरिंग करते वक्त डाटा इसका उड़ जाता है, और चुपचाप इनको वो फ़ोन दे दिया। अब इनको उस फ़ोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें आने लगेंगी, क्योंकि वो मदरबोर्ड कई बार रिपेयर हो चुका। और आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आप किसी भी दुकान पे रिपेयर कराओगे ना मोबाइल, तो रिपेयर कराने के बाद ये चीज़ आपको ध्यान करके चेक कर लेनी है। *#06# ये डाल के आपका आई एम ई नंबर शो हो जाएगा, एक हो चाहे दो हो, आप उनको अपने बिल से मिला लीजिएगा याद करके। और अगर बिल से ना मिला सके तो फ़ोन के पीछे लिखा होता है आई एम ई नंबर भी, फ़ोन के पीछे एक स्टिकर चिपका होता है, आपने ध्यान दिया हो तो उस पर भी आई एम ई नंबर लिखा होता है, उससे आप मैच करा सकते हैं उसको। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आप वहीं पर ऑब्जेक्शन उठाइए, आप बोलिए भाई इसका आई एम ई नंबर कैसे चेंज हो गया। अब वो कुछ भी बहाने मारे तो आपको मानना नहीं है, आप बोलना भाई इसका मदरबोर्ड आपने चेंज कर दिया है, मेरा मदरबोर्ड वापस डाल दो। ईमानदारी से, प्यार से बात कर रहा हूँ, तो आप ईमानदारी से इसका मदरबोर्ड मेरा वापस डाल दी, बंदा वो समझदार होगा तो डाल देगा। कुछ होते हैं अड़ियल जो बहसने लग जाते हैं कि कर लियो जो तेरे से होता है तो कर लियो, बहुत सारे बंदे इस तरीके से झगड़ा करने लग जाते हैं, तो आप प्यार से उसे समझा सकते हैं, वरना फिर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब आपको मैं इसके कुछ कॉन्स बता देता हूं, कुछ नुकसान बता देता हूं। अगर मान लीजिए उसके यहां से कोई दूसरा मदरबोर्ड लेके चले गए, अब वो जो मदरबोर्ड उस आपके फ़ोन में उस बंदे ने डाला है और वो किसी ने कंप्लेंट करा रखी है, खोए हुए फ़ोन का मदरबोर्ड था या फिर चोरी हुए हुए फ़ोन का मदरबोर्ड था, वो आपके फ़ोन में डाल दिया। अब उसके बाद सिम आप अपनी डालोगे, आपने जो सिम खरीदी थी वो अपने एड्रेस से खरीद रखी थी, वो आप इंसर्ट कर दोगे उस मदरबोर्ड में जिसमें आई एम ई नंबर दूसरा डाला हुआ है, यानी कि किसी और का मदरबोर्ड है उसमें आपने अपनी सिम डाली, एड्रेस आपका, मेहमान आपके घर पहुँच जाएंगे, मेहमान मतलब पुलिस वाले, वो फिर भाई साहब सीधा यही कहेंगे कि ये फ़ोन आपने चोरी कर ले रखा। आप कहोगे नहीं जी मेरे पास तो बिल है और मेरा ये तो मेरा फ़ोन है, फ़ोन आपका है मगर मदरबोर्ड किसी और का है। अब पुलिस वाले इस चीज़ को नहीं समझेंगे, वो सीधा कहेंगे भाई साहब ये यहाँ पे ट्रेस हो रहा है इस आई एम ई नंबर की, यहाँ पे कंप्लेंट हो रखी है, ये लिखा आई एम ई नंबर हमारी रिपोर्ट में, हमारी एफ आई आर में, और आप मिला लो और आप अब हमारे साथ चलोगे, नहीं चलोगे तो हम उठा के ले जाएंगे। भाई उनका फिर काम है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, अब वो कैसे करते हैं वो उनकी मर्जी। आपको मुझे अवेयर करना था इस चीज़ के बारे में, आप आई एम ई नंबर चेक कर लीजिए। अब एक चीज़ और
ये तो हो गया एक नुकसान। अब दूसरा नुकसान भी सुन लीजिए। मान लीजिए आपका मदरबोर्ड दूसरे बंदे ने ले लिया, वो क्या करेगा, आपके फोन का जो मदरबोर्ड था ना वो किसी दूसरे को चिपकाएगा, वो वहाँ पे ज़्यादा पैसे लेके और वो दूसरे फ़ोन में किसी में डाल देगा। अब दूसरा बंदा पता नहीं कैसा हो, कोई लड़कीबाज हो, कोई किसी तरीके का छेड़ने वाला हो किसी को, या किसी को हफ्ता वसूली या कई तरह के जो क्राइम होते हैं उन क्राइम में उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर ले। IMEI नंबर तो आपका है, अब IMEI नंबर आपके नाम से भी कटा हुआ है क्योंकि GST बिल आपके नाम से कटा होगा, उस जगह भी फंस जाओगे। अब तो ये पड़ी लकड़ी वाले काम हो जाएंगे कि आप कहोगे यार मैंने तो कभी ऐसा कुछ काम किया नहीं और बेकार में फंस गया मैं। अब इन बातों का निचोड़ देखिए ये निकलता है कि आपके फ़ोन का IMEI नंबर किसी और के पास नहीं जाना चाहिए और किसी और का IMEI नंबर आपके फ़ोन में नहीं आना चाहिए। ये इतनी सी कहानी मुझे आपको बतानी थी। अब एक बात और ध्यान में रखना कि कई बंदे ये कहते हैं कि IMEI नंबर चेंज हो जाता है, मार्केट में बोलते हैं बहुत सारे बंदे, ये अफवाहें फैला रखी हैं कि भाई आजकल जो 4G 5G फ़ोन आ रहे हैं कि इनके IMEI नंबर चेंज हो जाते हैं। भाई चेंज नहीं होते बिल्कुल भी, कोई करता हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, हाँ मैं कर दूंगा IMEI नंबर चेंज, भाई साहब नहीं होते। ठीक है, उनके प्रोसेसर के अंदर भी ये प्रोग्राम डाला गया होता है IMEI नंबर का। अब इस चीज़ को कौन चेंज कर सकता है ये मैं आपको कन्फर्म बता देता हूँ। इस चीज़ को IMEI नंबर जो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसको चेंज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कंपनी वालों के पास होता है, जैसे कि सैमसंग वाले हो गए या ओप्पो वीवो कोई भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने कोई किस्तों पर फ़ोन लिया, उसके बाद आपने किस्त नहीं भरी, वो IMEI नंबर को ब्लॉक कर देंगे, आपकी सिम चलेगी ही नहीं उसमें उस फ़ोन में। तो आप जाओगे सर्विस सेंटर वाले कहेंगे भैया इसकी किस्त बाकी है, किस्त भर दे जब इसका IMEI नंबर हम खोल देंगे। तो IMEI नंबर से छेड़खानी का जो काम होता है उसे इलीगल बोलते हैं कानूनी भाषा में, वो फुल्ली इलीगल है। आप कभी भी IMEI नंबर के साथ कोई छेड़खानी मत करवाना, ना तो किसी से करने देना। इसका अधिकार होता है सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर वालों के पास, किसी भी कंपनी का हो। आप IMEI नंबर आपका करप्ट भी हो जाता है कभी कभी, देखिए ऐसा होता है। देखिए कई बार कैसी प्रॉब्लम आ जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए *#06# मैंने डाला, यहाँ पे IMEI नंबर आ गया। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपके साथ कभी आई होंगी, मेरे पास तो देखिए कस्टमर बहुत सारे आते रहते हैं, हम उसे रिपेयर करवाते भी हैं। ठीक है, उसका बिल वगैरह लेके हम प्रॉपर जब काम कराते हैं, कैसी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर 0000 आ जाएगा सब में, कोई नंबर शो नहीं करेगा, जैसे इसमें लिखा है 35 से लेकर लास्ट में 91 00 आ जाएगा, या फिर 40 आ जाएंगे, या फिर लिखा आएगा नल NULL, या फिर कुछ भी लिख के नहीं आएगा। आप सर्च मारोगे *#06# से तो कुछ भी लिख के नहीं आएगा। उस कंडीशन में आपके फ़ोन के अंदर सिम नहीं चलेगी। आप सोचोगे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रखी है, मगर उसमें प्रॉब्लम होती है कि IMEI नंबर की। अब उस IMEI नंबर को कौन डाल सकता है, वो डाल सकते हैं सर्विस सेंटर वाले। एक कंडीशन और होती है इसमें, अगर हम इसका जो प्रोग्राम होता है इसका सॉफ्टवेयर जो होता है दोबारा से डालते हैं तो IMEI नंबर आ जाता है, मगर IMEI नंबर जब कंपनी वाले ब्लॉक कर देते हैं ना, जब हम नहीं कर सकते फिर वो हमारे हाथ में नहीं होता, फिर वो सीधा सर्विस सेंटर वाले ही काम करते हैं उसका। तो IMEI नंबर से काफ़ी झंझट भी फैलते हैं, आपके साथ कभी ऐसा धोखा ना हो, कभी भी फ़ोन रिपेयर करवाओ अपना IMEI नंबर चेक कर लेना। देखिए IMEI नंबर तीन जगह होते हैं, एक तो देखे मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है, आप इस तरीके से चेक कर लोगे, एक लिखा होता है यही IMEI नंबर सेम यहाँ भी लिखा होगा पीछे जो स्टिकर लगा होता है, इसलिए कभी भी पीछे वाले स्टिकर को फाड़ के मत फेंका करो। सारे बंदे फाड़ के फेंक देते हैं कि ये क्या स्टिकर लगा हुआ है, नया फ़ोन लेते हैं और वो उखाड़ के फेंक देते हैं। नहीं भाई, उसमें है ना IMEI नंबर लिखे होते हैं आपके दो, एक तो वो सेम होगा और आपका जो बिल होगा ना उस बिल पे भी यही वाला IMEI नंबर लिखा होगा। मेरा ख्याल है आज की वीडियो में आप IMEI नंबर के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है IMEI नंबर के बारे में। आपके भी कोई अगर क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना बेझिझक बिना शर्म। आपकी अगर कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बिना झिझक बेशर्म होके आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको पूरा जवाब इसका देने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।